विश्वख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में सुबह की आरती और झंडा चढ़ाने की रस्म अदायगी के साथ नवरात्रे का आगाज हो गया। प्रथम नवरात्रे के उपलक्ष्य में माता शैलपुत्री का पूजन भी किया गया। सुबह से ही मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा और रविवार सुबह से ही नवरात्रि पूजन के लिए लोग अपने घरों को छोड़ सुख समृद्धि की कामना के लिए माँ के दर्शन करने पहुंचे। विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में सुबह की आरती और झंडा चढ़ाने की रस्म के साथ नवरात्रों का आगाज हो गया। प्रथम नवरात्रि के उपलक्ष्य पर मां शैलपुत्री का पूजन किया गया और सुबह से ही मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने नवरात्रा पूजन किया और अपने घर परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। नवरात्रों के उपलक्ष्य पर हिमाचल प्रदेश सरकार, जिला प्रशासन और मंदिर न्यास के द्वारा श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुविधा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा मंदिर की सजावट का कार्य भी अभी इस बार बखूबी निभाया गया है। मंदिर को सजाने का कार्य करनाल की समाज सेवी संस्था के द्वारा किया गया। फूलों से सजे मंदिर को देखकर श्रद्धालुओं का मन मोह रहा है। हालांकि नवरात्रों के दौरान शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा है। लगभग 600 से अधिक पुलिस कर्मी व होमगार्ड के अलावा एक्स सर्विस मैनों की तैनाती की गई है। मेला के दौरान पुलिस व्यवस्था, कानून व्यवस्था और यातायात की व्यवस्था सुचारू रूप से चली रहे, इसके लिए 600 पुलिस के जवान और होमगार्ड के जवान जो है वो ड्यूटी पर तैनात रहेंगे। इसके अतिरिक्त 5 जो स्वास्थ्य सेवा कक्ष होंगे लोगों को सेवाएं देने के लिए, वो स्थापित किए गए हैं। 3 एम्बुलेंसेज मेला क्षेत्र में 24 घंटे तैनात रहेगी।